हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राज मल्होत्रा जाइस सो आई गेस अब हम हमें पता लग जाएगा कि हम लाइव हैं कि नहीं ओके सो फर्स्ट आई हैव टू फिगर आउट ताकि कोई जो है टेक्निकल एरर ना हो और हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो सके सो गाइस वी आर लाइव नाउ ओके तो अब जो है हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एज़ यूजल जो हमारा ट्रेंड रहता है वी विल मार्क द इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम आज जो है क्या करने वाले हैं तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है हम लोग माफ़ कर लेंगे उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे ओके तो आप मुझे सुन पा रहे हैं हबीबा गुड मॉर्निंग मोहित गुड मॉर्निंग सो आई एम वेरी मच ऑडिबल नाउ मुझे पता लग गया कि मैं ऑडिबल हूँ सो सब लोग एक बार कनेक्ट हो जाएं ओके मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक साथ आ जाएं इश्मीत गुड मॉर्निंग मनप्रीत गुड मॉर्निंग सादिया गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग जो भी फ्रेंड्स आ गए हैं तो अच्छे खासे लोग आ गए हैं वी विल स्टार्ट आर सेशन शेफी गुड मॉर्निंग जासमिन गुड मॉर्निंग आदित्य गुड मॉर्निंग ओके विल स्टार्ट आर सेशन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमारा ट्रेंड रहता है कि हम पहले मार्क करेंगे कि आज के न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो आप देख लीजिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है पेंगयोंग लेक पे 45 इयर्स के बाद जो है उधर गोली चली है तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा नोट डाउन क्यों करना पड़ेगा आप देखिए आप जो है ये अपने आंसर में लिखना सपोज इंडिया चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर मैंशन करना कि आफ्टर फोर्टी फाइव जो है बॉर्डर के ऊपर जो है गोली चली है तो इसका एक मतलब होता है ठीक है ना काफ़ी बड़ा इवेंट है ये अदरवाइज़ ये बॉर्डर काफ़ी पीसफुल था अब ये लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट है ओके सो यू हैव टू राइट द लेटेस्ट थिंग इन योर एग्ज़ाम एक चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल चलिए अब हम आगे देखते हैं बाकी सीधा नीचे आ जाइए ओके फ्रेम रूल्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सिगरेट बर्ड्स एन तो यहाँ पे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको ठीक है ना प्रीलिम्स का क्वेश्चन दरअसल इसके अंदर एक एन का नाम मेंशन है जिसका वो कहा जाता है डॉक्टर्स फॉर यू ओके डॉक्टर्स फॉर यू तो इन्होंने जो है पटिशन डाला था तो हम इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे ओके तो आगे चलिए आप सीधा आ जाइए एडिटोरियल पेज पे इसको फार्मिंग सेक्टर के ऊपर ये आपका एग्रीकल्चर के ऊपर ये एडिटोरियल है और यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है ना उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे हैं इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे फिर चाइना बूढ़ा हो रहा है ओके चाइना बूढ़ा हो रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो जाएगी ठीक है जी ये बात इन्होंने बताई है तो इस एडिटोरियल के भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कैसे जो है चाइना के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और जो प्रेजेंट जो जी जिंगपिंग है उनका जो स्टांस है कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं वो ये सोच नहीं रहे कि तीस साल बाद जाके जब बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा हबीबा एम आई ऑडिबल रहे कि साल बाद जाके जब बूढ़े हो जाएंगे आई एम वेरी मच ऑडिबल हबीबा चेक करो ईयरफोन्स चेक करो क्योंकि uh, मैंने अभी अभी ये साउंड टेस्टिंग वगैरह कर ली है अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज ओके सुभाष गुड मॉर्निंग अमित गुड मॉर्निंग हबीबा चेक एट योर एंड ओके इट इज वेरी मच ऑडिबल, चेक करो एक बार दोबारा ठीक है तो वैसे भी अभी तो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ न्यूज क्या क्या पढ़नी है आपको आज अच्छा फिर आप इसको थोड़ा देख लेना ठीक है हाउ मच इज टू मच वेल न कनेक्ट कलेक्टिंग द डाटा फॉर प्लानिंग ओके तो यहां पर मैं आपको यह पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं क्या समझाना चाहता हूं आप देखो पॉलिसी मेकिंग ओके पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या होती है डेटा इनपुट्स जब डाटा करेक्ट आता है तभी आप करेक्ट पॉलिसी बनाते हो ठीक है अगर आपके पास डाटा इनकरेक्ट आएगा तो आपकी पॉलिसी खराब बनेगी फिर पॉलिसी मेकिंग के बाद अगला स्टेप होता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ओके कि उसको इंप्लीमेंट करना उसके बाद अगला स्टेप होता है मॉनिटर करना कि ठीक से मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही ठीक है ना मॉनिटरिंग अब मॉनिटरिंग के अंदर हमें पता लगता है कि पॉलिसी के अंदर कमियां क्या हैं वो फिर दोबारा डाटा इनपुट बन जाता है ऐसे होती है आपकी पॉलिसी अब जब आप आई ऑफिसर .E बनते हो ठीक है आई ऑफिसर .E बनते हो तो स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट जब आपका करियर शुरू होता है स्टार्टिंग में आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया जाता है ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता लग जाए ओके फिर आप लेटर स्टेज के अंदर पॉलिसी मेकिंग में जाते हो आई ऑफिसर .E बनके लेटर स्टेज में यू एंटर इनटू पॉलिसी मेकिंग तो वहां पे आपको डाटा की इंपॉर्टेंस पता लगती है अगर आपके पास खराब डाटा आएगा नीचे से बिल्कुल इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी गलत इंफॉर्मेशन आएगी तो आप पॉलिसी गलत बनाओगे ओके okay? पॉलिसी गलत बनेगी फिर इंप्लीमेंटेशन गलत होगा सारी साइकिल एक तरीके से बर्बाद हो जाएगी यह इंडिया के अंदर प्रॉब्लम होती है इसीलिए डिजिटल कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो जरूरी है हम चाहते हैं कि हम डाटा को डिजिटली कलेक्ट करें ताकि ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज बन सके ओके okay? ये आप पूरा समझ जाना ठीक है अब हम आगे चलते हैं देखिए तो ये आप अपने लेवल पे कवर कर लेना ठीक है जी फिर हम इस पेज पे आ गए यहाँ पे एज सच जो है कुछ खास आज अखबार अपने पढ़ने के लिए नहीं आया है फिर आप हम इसको कवर करेंगे हाउस कैन इलेक्ट डिप्टी स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उन उनका क्या रोल होता है थोड़ा सा मैं आपको इनपुट दे दूंगा ठीक है ना वो हम कवर कर लेंगे अच्छा इसके बाद आप देखिए एस सच जो है कुछ खास यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है फिर इस पेज पे आ जाइए ओके इधर भी कुछ खास आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा हाँ इसको कवर करेंगे हम इंडिया जापान साइन लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट ओके यहाँ पे प्रीलिम्स का आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा पिछले साल का तो वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको थोड़ा पढ़ना होता है ठीक है जी फिर आप इस पेज पर पे आ जाइए इलेवेंथ पे ओके तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है वो बीएमसी ने जो है कंगना और अनाउत का घर मतलब ऑफिस तोड़ दिया उसकी न्यूज़ इन्होंने कवर की है फिर रिया चक्रवर्ती है मतलब इतना कुछ ख़ास जो है नहीं है ओके फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ पे आप चाहिए इंटरनेशनल पेज पे और बेरूत के अंदर जो है फिर एक्सप्लोजन हो गया पहले एक्सप्लोजन हुआ था अब वहाँ पे आग लग गई है यहाँ पे भी हम आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा आपको 2018 थाउजेंड एटीन का आया था ठीक है तो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा अच्छा फिर हम इसको देखेंगे देखो मेडिटेरेनियन सी के आसपास लगने वाले कंट्रीज की अगर न्यूज़ आती है ना तो आपको बार बार वो मैप देखना है ठीक है ना इसको हम कवर करेंगे ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करो जितनी बार आप मैप देखोगे ना रोज़ उतना ही अच्छा होता जाएगा ओके वहाँ पर हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको एक और ये कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर ग्रोइंग बिगर तो रीज़न थोड़े बहुत मैं आपको बता दूंगा क्यों होती है कैलिफोर्निया के अंदर बार बार आग लगने की खबर आती है ओके तो ये था आज का पूरा का पूरा सेशन सो नाउ विल मूव टू आर स्लाइड शो अब हम जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन पे आते हैं और हम जो है देख लेते हैं कि अब लोगों के कमेंट्स क्या, क्या क्या हैं तो गोल्डी गुप्ता सर मुझे 2021 में देना है प्लीज़ मुझे करंट अफेयर्स कहाँ से करें बताएं मल्टीपल सोर्सेज गोल्डी एक तो मंथली मैगज़ीन आती है अलग अलग आपको वो भी रेफ़र करनी पड़ेगी ओके okay? uh, निधि अलावा सर गुड मॉर्निंग आई एम

आपको खुद अपने लेवल पे पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इन्फोसिस में सिस्टम इंजीनियर भी था ओके okay, तो मैं समझ सकता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैसे डिफिकल्टी होती है ओके यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब मैं जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी आई वॉज वर्किंग एज अ सिस्टम इंजीनियर इन इन्फोसिस तो ये थोड़ा आपको समझना है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ डिफिकल्टी होती है बट आपको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से सोचना होगा और अपने लिए टाइम निकालना होगा ओके okay. मेरे लेक्चर से आप डायरेक्शन लीजिए उसके बाद अपने लेवल पर जरूर पढ़िए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको अपने लेवल पर नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को आप खुद परसीव करोगे आपको ही आंसर लिखना होगा उसके लिए आपका खुद का पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है सो नाउ विल स्टार्ट द सेशन तो फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये स्टेटमेंट है देखिए यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग तो जिंदगी में कभी हताश नहीं होना होता जब तक आप ट्राई करते रहोगे आप फेल नहीं होगे. जिस दिन आप कर देते हो वो आपका फेलियर होता है तो कभी भी लाइफ में रुकना नहीं होता और आगे बढ़ते रहना होता है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑफन इन न्यूज इज वट ओके ये, ये क्वेश्चन okay? यूपीएससी ने टू थाउजेंड में पूछा था तो ये एक एनजीओ थी अब यहां पे इस न्यूज़पेपर के अंदर एक एनजीओ का नाम मैंशन है जो कहते हैं कि डॉक्टर्स फॉर यू ओके डॉक्टर्स फॉर यू जिन्होंने ये पटिशन फाइल किया था और जिस वजह से यह न्यूज बनी है ठीक है ना तो आप ये अलग से नोट डाल लेना साइड के अंदर कि डॉक्टर्स फॉर यू जो है वो एक एनजीओ है ओके देखो सिगरेट बर्ड डिस्पोज करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक होती हैं इसी के लिए इन्होंने एक तरीके से पटिशन डाला और है और चाह रही हैं कि गाइडलाइंस बने इसके ऊपर अदरवाइज आप देखो कोरोना टाइम के अंदर कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्मोक करके बर्ड्स फेंक रहा है तो दूसरों को कोरोना फैला सकता है वहाँ से तो ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है ओके वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट हाउस कैन सिलेक्ट डेप्यूटी स्पीकर अब यहाँ पे हम थोड़ा डेप्यूटी स्पीकर के रोल के बारे में जानेंगे तो ये भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं मतलब जैसे स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है ओके okay? तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो इलेक्टेड होता है ठीक है ना पहले लोकसभा जब बैठती है उसके अंदर स्पीकर का इलेक्शन होता है फिर स्पीकर डिसाइड करता है कि किस डेट को डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना है ओके okay? ये आपको सारी की सारी जानकारी प्रीलिम्स के लिए दे रहा हूं मैं कि पहले तो स्पीकर इलेक्ट होगा फिर स्पीकर डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर डेट पे डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा ओके okay? अब जब स्पीकर साहब दफ्तर में नहीं हैं मतलब मल्टीपल रीजन की वजह से वो ऐसा हो सकता है ना तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो उनका रोल प्ले करता है ओके okay? जब वो एबसेंट है मान लो स्पीकर कहीं गए हुए हैं तब भी वो डेप्यूटी स्पीकर उनका रोल प्ले करेगा या फिर उनकी मान लो मृत्यु हो गई तब भी जो है डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इनका रोल प्ले करता है ठीक है ये आपको जानकारी होनी चाहिए अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मान लो स्पीकर जो होते हैं ठीक है ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके वो ज्वाइंट सिटिंग को एक तरीके से बैठते हैं उनके ऊपर ठीक है ना ज्वाइंट सिटिंग वो ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रिजाइड करते हैं ठीक है दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की दो हाउसेस कौन से कौन से हैं राज्यसभा और लोकसभा इनकी ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन होता है उसको स्पीकर साहब जो है प्रिजाइड करते हैं अब स्पीकर साहब सपोज नहीं आ पाते इन दैट सिचुएशन डेप्यूटी स्पीकर जो है वो प्रिजाइड करते हैं ओके okay? तो ये बहुत ही पिन पॉइंटेड चीजें हैं जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ज्वाइंट तो एक स्टेटमेंट मैं ये डाल दूं कैन डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यू हैव टू से यस इट इज वेरी मच राइट ओके ये चीज पता है चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर यह करेक्ट है जी ये सबॉर्डिनेट नहीं होते उनके ओके okay? और एक चीज है डेप्यूटी स्पीकर की एक स्पेशल प्रिवलेज भी होती है वो स्पेशल प्रिवलेज क्या होती है वेनएवर ही इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी जब भी उनको पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं ओके okay? ऑटोमेटिकली ये आपको याद रखना है ठीक है जी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको ओके okay? अब एक पॉइंट देखो जब स्पीकर साहब हाउस को प्रिजाइड कर रहे होते हैं वेन स्पीकर इज प्रिजाइडिंग ओवर द हाउस उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर जो है वो ऑर्डिनरी मेंबर की तरह हाउस में बैठते हैं नीचे जाके और डिस्कशन के अंदर पार्ट भी ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं जब स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे होते हैं जब स्पीकर साहब नहीं होते तब जो है डेप्यूटी स्पीकर जो है उनका प्लेस ले लेते हैं ओके ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा ही आएगा इंडिया जापान साइन लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 का आप ये सवाल देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड ओके तो इंडिया ने रशिया के साथ एक तरीके से न्यूक्लियर डील साइन की थी और ये उसकी वर्डिंग थी अब यहां पे मैं आपको क्यों कह रहा हूं ऐसा करने के लिए ठीक है तो आप जरा इस पॉइंट को देखिए ओके okay. यहां पे है Reciprocal provision, प्रोविजन सप्लाइज एंड सर्विसेस ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है यह एग्रीमेंट है जो हमने जापान के साथ साइन किया है Reciprocal provision, प्रोविजन and एंड सर्विसेस ओके ये आपने देख लिया पॉइंटर को देखो आप ध्यान से Reciprocal provision, प्रोविजन and एंड सर्विसेज ठीक है मैं इसको दोबारा मार्क कर देता हूं ठीक है ना पेन से और तब एक बार दोबारा जूम करवाऊंगा आपको ओके ताकि आप इसको याद रख लेना रेसिप्रोकल प्रोविजन ठीक है जी अब सपोज मुझे सवाल बनाना हो मैं यहां पे एक्शन प्लान वाली ये लाइन हटा के वो डाल दूंगा रेसिप्रोकल प्रोविजन वाली इस तरीके से आपको पढ़ना होता है ठीक है ना 2019 का एक क्वेश्चन है करंट ट्रेंड का क्वेश्चन है आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये सर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है नहीं ये करंट रीसेंट ट्रेंड का है और ऐसा ध्यान नहीं रहता आपके न्यूज़पेपर से आई हुई चीज़ है इतनी बारीक चीज़ आपको पढ़नी होती है ओके अब देखो बैरूत पोर्ट के अंदर आग लगी एक्सप्लोजन हो गया ओके okay. 2018 प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो आप कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स यहां पे टाउन्स मेंशन है और कंट्रीज मेंशन मैं ओके okay. अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए ये वो टाउन है जो उस टाइम न्यूज में रहे थे मतलब कुछ ना कुछ यहां पे इन शहरों में एक्टिविटी हुई थी ठीक है वो सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह टाउन इंपॉर्टेंट हो गए तो अब आपको जरूर पता होना चाहिए कि बैरूत जो है वो कहां पे लोकेटेड है ठीक है तो लेबनान में है ये आपको पता लग गया वेस्ट एशिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर प्रिलियम्स हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है ना मेडिटेरेनियन सी वाला हमने किया अब ये भी देखना कि लेबनान में है ये ओके ऐसे याद रखना आप अलग से नोट्स बनाते रहो इसके तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर ग्रोइंग बिगर रीजन क्या है क्लाइमेट चेंज ठीक है जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हो क्या क्या उस वजह से जो ड्राई सीजन है वो वहां पे लंबा खींच रहा है ड्राई सीजन लंबा खींच रहा है ड्राई सीजन लंबा खींच रहा है मतलब मॉइस्चर नहीं आ रहा अब जहां मॉइस्चर नहीं है ड्राई सीजन लंबा खींच गया सूखी झाड़ियां आग तो लगेगी ओके दूसरी चीज उस एरिया में लाइटनिंग बहुत होती है ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए तीसरी चीज अर्बन वाइल्ड लैंड इंटरफेस ये टर्म आप अपने अलग से लिख लो अपने मेन्स के आंसर में ज़रूर लिखना ठीक है ना अर्बन वाइल्ड लैंड इंटरफेस मतलब हो कह रहा है कि जो लोग हैं वो वाइल्ड एरियाज में जाते हैं पिकनिक पार्टी वार्टी करने और वहाँ पे कभी कभी एक्सीडेंटली उनसे आग लग जाती है ठीक है ऐसा होता है ना बिल्कुल तो ये समस्याएं हैं जो कैलिफोर्निया में बार बार आग को बनाती हैं अब हम इस पे चलते हैं ग्रीस रेसिस टू शेल्टर माइग्रेंट्स आफ्टर कैंप फायर ओके मैंने आपको बताया कि मेडिटरेनियन सी के आसपास वाले कंट्रीज जो हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है तो आप ये प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन देखिए इन कंट्रीज का इन्होंने पूछा है ठीक है मतलब ये कोस्ट उन्होंने पूछ ली तो मैं बार बार बता रहा हूं नीचे वाली कोस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो नॉर्थ कोस्ट है यह भी इंपॉर्टेंट है ओके तो ये सारा पता होना चाहिए आपको कौन से कौन से कंट्रीज हैं तो जितनी बार हम मैप देखेंगे उतना अच्छा हो जाएगा ये ठीक है जी तो ये लेबनान इसराइल इजिप्ट ये इन्होंने पूछ लिया अब बचा ये टर्की ग्रीस क्रोएशिया फ्रांस स्पेन ठीक है ये तो हो गए नॉर्थ वाले साउथ कोस्ट पे कौन से हैं मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया लीबिया इजिप्ट ठीक है ऐसे चीज़ों को याद रखो नॉर्थ वाले अलग करो साउथ वाले अलग याद रखो और कोई न्यूमोनिक बना लो ताकि आप भूलो ना बिल्कुल भी ठीक है ना न्यूमोनिक ऐसा कुछ बना लो अपने लेवल पे जिसका नाम वाम पसंद होता है कोई गाना वाना बनाना हो तो बना लो ठीक है ताकि एग्जाम तक आपको याद रहे अब हम आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे तो इसके वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जैसे ये प्रिलिम्स टू का क्वेश्चन था कि फेयर एंड रिम्यूनोरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन कौन अप्रूव करता है ठीक है देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक होती है अप्रूव कि अप्रूव करने वाली एजेंसी कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है दूसरी होती है डिक्लेयर डिक्लेयर करने वाली कौन सी है ठीक है फिर एक होती है सजेस्ट या रिकमेंड ओके ये तीन काम होते हैं और ये तीनों अलग अलग एरियाज ये अलग अलग एजेंसीज करती हैं ये हमें पता होने चाहिए कैसे मैं आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा हूं ठीक है ना आज के एडिटोरियल में इसका जिक्र है तो ये प्रिलिम सेंट्रिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड कौन करता है डिसाइड करने वाली जो बॉडी है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको चेयर कौन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है एमएसपी को डिसाइड करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके दूसरी चीज इसको रिकमेंड कौन करता है रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड ये करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस फाइनल डिक्लेरेशन पब्लिक डोमेन में डालना ठीक है ना डिक्लेयर कौन करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ओके ये तीन अलग अलग हैं जो इसमें लगती हैं ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए हल्का सा आगे पीछे करके क्वेश्चन बिगाड़ा जा सकता है ओके okay? इस क्वेश्चन को दोबारा देखो आप यहां पे अप्रूवल पूछा गया था सपोज डिक्लेरेशन होता तो अलग होती बात ठीक है ना दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन वेरी क्रिटिकल फॉर दिस एग्जाम ओके सो वील मूव टू नेक्स्ट पार्ट अब यहां पे गेम देखो ये 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इन्होंने बोला इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओके बताओ अच्छा भाई ये कैलकुलेट करने में किन चीज़ों को एक तरीके से जोड़ा जाता है कंसिडर किया जाता है उसका इन्होंने पूछ लिया बात ठीक है जी अब आपको थोड़ा और आइडिया होना चाहिए कि जो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कोस्ट प्राइसेस है जब ये डिसाइड करने वाला होता है कोस्ट ये रिकमेंड करने वाली बॉडी है ना जब ये रिकमेंड करने वाली बॉडी होती है तो इन बातों को जो है ये कंसिडर करती है ओके वही जो है सवाल में किया गया था तो आप इसको जरूर समझ लें ये चीजें हैं जो कवर की जाती हैं आपकी एमएसपी को डिसाइड करने में ओके okay? तो डिमांड एंड सप्लाई ठीक है इनपुट प्राइसेस के अंदर कितना फर्क आया ठीक है फिर इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं इन चीजों को डिसाइड करने के बाद एमएसपी डिसाइड की जाती है अब आपको बता देता हूं एमएसपी है क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओके मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या मतलब है मतलब ये है फार्मर को मिनिमम इतना पैसा ज़रूर मिलेगा अगर फार्मर क्रॉप लगाता है फार्मर के पास इंसेंटिव होना चाहिए ना तो उसको इतना पैसा मिनिमम ज़रूर मिलेगा ओके okay? ये गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर लेती है अब मान लो जैसे रबी सीजन आने वाला है उसके अंदर पहले ही जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि इस फसल के ऊपर मिनिमम इतना मिलेगा इस फसल के ऊपर मिनिमम इतना मिलेगा तो उस हिसाब से फार्मर डिसाइड कर लेगा कि जिस फसल के ऊपर हमें ज़्यादा रिटर्न आने का चांस है हम वो फसल लगा लेते हैं ठीक है ऐसा फार्मर सोच लेगा ये है पूरा एमएसपी का गेम ओके गे? और आपको ये सारा पता होना चाहिए प्रिलियम्स के लिए मैंने बता दिया कैसे इंपॉर्टेंट है ये अब हम जो है इस एडिटोरियल को शुरू करेंगे तो ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में बात करता है ये कहता है कि प्रेजेंटली एक डिबेट चली है कि हमारे देश में कि एग्रीकल्चर विल लीड इंडिया इकोनॉमिक रिवाइवल यह डिबेट है तो प्रेजेंटली कोरोना क्राइसिस जो हुआ है उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया को एक तरीके से रिवाइव करने में मदद करेगा तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है इन्होंने बोला है कि भाई तुम कह तो रहे हो लेकिन हकीकत ऐसी है नहीं ठीक है ना तो बहुत चीज़ें हैं आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट वो इन्होंने बोला है ठीक है तो पहली चीज तो इन्होंने कही है कि इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि एग्रीकल्चर इंडिया को अगले लेवल पर लेके जाएगा चार आर्ग्यूमेंट मेनली कहे जाते हैं पहला क्या है इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन ट्वेंटी नाइनटीन वाज 3.7 परसेंट हायर देन ट्वेंटी ट्वेंटी एटीन एंड नाइनटीन ओके फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे देश में ज़्यादा हुआ था पहली बात तो यही की जाती है ठीक है दूसरी कहा जाती है कि फूड इन्फ्लेशन वो जो है ज़्यादा था अब फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि फूड की डिमांड ज़्यादा है मतलब फार्मर को अच्छे दाम मिलेंगे ठीक है ना ऐसी बात कही जाती है तीसरी बात कही जाती है कि खरीफ सोइंग जो था हमारा उसके अंदर जो एरिया जिसके अंदर फसल की बुआई हुई है वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू 2019 2020 ओके okay? ये भी एक तरीके से अच्छा पॉजिटिव साइन है फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने तो इकोनॉमिक पैकेज भी दिया था एग्रीकल्चर के लिए उसके भी रिजल्ट आएंगे अब ये चार पॉइंट्स हैं और इन्हीं चारों पॉइंट्स का इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट दे के एक तरीके से खंडन किया है कि ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट ठीक है दीज पॉइंट्स आर वेरी मच देयर बट इनके अंदर भी कमियां हैं ओके देर आर सम फ्लॉज तो दे हैव जस्ट हाईलाइटेड दोज फ्लॉज ओके तो इन्होंने क्या बोला तो so रबी प्रोक्योरमेंट की बात करें तो so देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैनी नॉर्दर्न स्टेट्स पुट इन कंसिडरेबल टू इंश्योर द प्रोक्योरमेंट डिट सफर ठीक है बिल्कुल ऐसा हुआ था एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी हमारे लॉकडाउन के टाइम भी चल रही थी ठीक है ना ऐसा बिल्कुल हो रहा था लेकिन ऑफिशियल डाटा जो है वो बहुत अलग कह रहा है ऑफिशियल डाटा क्या कह रहा है ओली थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ पेडी फार्मर्स एंड सिक्सटीन पॉइंट टू परसेंट ऑफ व्हीट फार्मर्स सेल देयर हारवेस्ट टू प्रोक्योरमेंट एजेंसी मतलब जिन प्रोक्योरमेंट एजेंसी से MSP मिलना है सिर्फ इतने से फार्मर्स ही तो उनको दे रहे हैं बाकी तो सिर्फ ओपन मार्केट में जा रही है ना सारा पैसा सारा जो फसल है ओपन मार्केट में जा रही है ठीक है वो प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचे बेच रहे हैं वो बाकी जो हैं तो ये इन्होंने बोला अच्छा मतलब आपका जो बेनिफिट आप देते हो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो नीचे तक पर्कुलेट ही नहीं होता सब फार्मर्स के पास तो वो पहुंचता ही नहीं है ठीक है ना अब ये स्टैटिस्टिक्स आप बिल्कुल याद रख लेना क्योंकि जीएस पेपर थ्री ओके मेंस जीएस पेपर थ्री एग्रीकल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां आप जरूर लिखना एमएसपी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कि बताओ उसमें क्या क्या कमियां हैं तो, तो आप उसके अंदर बिल्कुल ये स्टैटिस्टिक्स मेंशन करोगे कि ओनली थर्टीन परसेंट ऑफ द पेडी फार्मर्स एंड सिक्सटीन परसेंट ऑफ द वीट फार्मर्स आर सेलिंग देयर हार्वेस्ट टू द प्रोक्योरमेंट एजेंसी तो एमएसपी हर फार्मर तक तो वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पा रहा ठीक है ना दूसरी चीज फिर इन्होंने ये कहा कि फार्मर को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ लॉस ऑफ मार्केट्स ठीक है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था भाई प्याज मान लो महाराष्ट्र से यहां चंडीगढ़ में आना है अनियन ट्रक तो चल ही नहीं रहे थे सप्लाई चेन पूरा रुक गया था मंडी सारी की सारी क्लोज हो गई थी क्लोजर ऑफ मंडीज ओके तो मार्केट फार्मर के लिए तो खत्म ही होगी ना फार्मर तो इन्हीं मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेचता था तो ये फार्मर को नुकसान हुआ ठीक है अच्छा दूसरी आप बात देखिए कि इनकम जो है काफ़ी फार्मर को इनकम उसकी चली गई थी सामान बिक ही नहीं रहा था इसीलिए तो उन्होंने सारा का सारा पैसा जो है प्राइवेट उनको देना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि देखो अनियन क्या होता है पैरिशेबल क्रॉप होती है फार्म प्रोडक्ट जो होता है ना वो पैरिशेबल होता है ओके तो पेरिशेबल का मतलब है कि वो ख़त्म हो जाएगा अगर जल्दी से बेचा ना गया तो जल्दी से बेचा ना गया तो वो ख़त्म हो जाएगा तो फार्मर्स जो हैं वो मजबूर होते हैं अपने प्रोडक्ट को टाइम पे बेचने पर और फिर वो कैसे किसी भी दाम पे बेच देते हैं कि भाई फसल बर्बाद हो जाए सड़ जाए उससे अच्छा तो है किसी भी दाम पे बेच दो इसलिए उनको रिटर्न नहीं मिलता ओके okay? फिर इन्होंने ये कहा जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है हमारी उसको तकरीबन पच्चीस हजार करोड़ का लॉस हुआ था तो अगर जी के अंदर क्वेश्चन आता है पोल्ट्री के ऊपर तो ये प्रेजेंटली जो करंट डेवलपमेंट है ना यू हैव टू राइट दिस ओके कि प्रेजेंटली पोल्ट्री इंडस्ट्री को इतना लॉस हुआ था 25,000 करोड़। करोर्स रीज़न बीइंग आप देखो कोई रेस्टोरेंट्स नहीं खुले थे जहाँ पे चिकन विकन खाया जाता था कोई रेस्टोरेंट सब बंद चल रहा था ना तो इसीलिए लॉस हो रहा था ये और अभी भी लॉस हो रहा है क्योंकि वो कोई एज सच जो है जो रेस्टोरेंट वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था ठीक है फिर इसके अंदर इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो आप कह रहे हो ना कि इन्फ्लेशन ज्यादा था फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा था दरअसल वो इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि सप्लाई चेन्स जो है वो डिसरप्ट हो गई थी ओके okay? वो इस वजह से नहीं था कि डिमांड बढ़ रही है नहीं सामान पहुंच ही नहीं रहा था इसलिए चीज़ महंगी हो रही थी अगर हम होलसेल प्राइस की बात करें वहां तो प्राइसिस कम हो रहे थे ठीक है ना वहां तो प्राइसिस कम हो रहे थे रूरल और मार्केट के अंदर बढ़ रहे थे वो बढ़ इसलिए रहे थे क्योंकि कोई ट्रक नहीं चल रहा था सप्लाई चेन जो है वो ख़त्म थी उसके अंदर ओके फिर उन्होंने बोला कि जो आप कह रहे हो कि रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा था वो दरअसल बहुत खराब चीज़ है हमारे लिए क्योंकि हमारे देश में जो फार्मर है वो बेचने वालों में से भी है और परचेजर भी है बायर भी है फूड खरीदता भी है वो तो अगर रूरल एरिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो गरीब फार्मर है वो अपना सामान बेचे भी गया और कुछ सब्जियां खरीदे भी गया ओके तो वो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है अगर रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ठीक है अच्छा फिर इन्होंने बोला कि खरीफ का सोइंग सीजन ज़्यादा था ठीक है ज़्यादा बुआई हुई ओके ये अच्छी चीज़ है एक हुआ ऐसा लेकिन आप ये देखो जो माइग्रेंट्स वर्कर जो थे जो अब शहरों में काम कर रहे थे वो सारे के सारे गांव में आ गए थे ठीक है ना तो इन्होंने ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ओके okay, बहुत ही ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने अपने विलेज में पहुंचे वहाँ तो ऐस सच कोई काम नहीं था छोटे छोटे फार्म जो हैं हमारे फार्म साइज जिसको बोलते हैं खेत बहुत छोटे छोटे हैं लोग बहुत ज़्यादा पहुंच गए थे वहाँ पे तो क्या उन्होंने सबने मिल के एक तरीके से कमाई की होगी बहुत ही कम ओके okay? ये इन्होंने हाईलाइट किया फिर आप देखिए जो पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दरअसल वो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा बताया गया कैसे गवर्नमेंट ने तो लाखों करोड़ों वो किया था अनाउंस लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो ये कह रहे हैं कि इफेक्टिवली 5000 करोड़ ही जो है एग्रीकल्चर के अंदर नया गया है बाकी सारा पैसा तो जो पुरानी स्कीम चल रही थी उसी का ही उन्होंने चला दिया ठीक है ये इन्होंने बात की थी अच्छा अब फिर दूसरी चीज इन्होंने बोला कि जो ये बात कही जा रही है कि लोअर क्रॉप प्राइस लोअर मार्केट अराइवल्स हायर अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें जो है ना ये जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई थी जो ग्रीन शूट्स थे उनको एक तरीके से खराब कर देगी ये प्राइस नहीं मिलेगी तो फार्मर कैसे काम करेगा ठीक है ना घर कैसे चलाएगा फार्मर बायर भी है खरीदेगा कैसे वो क्या बाय करता है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में से चीज़ें बाय करता है अच्छा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी वर्कर है उसके पास कैसे जो है इनकम जाएगी ओके okay, तो जैसे ये साइकिल आप देखिए क्या बनती है फार्मर के पास इनकम आई फार्मर की इनकम अच्छी मान लो आई उसके बाद वो बाय करेगा ओके okay, बाय करेगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ठीक है अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अच्छी उसकी दाम मिलेंगे तो वर्कर को इनकम मिलेगी ओके okay, वर्कर इनकम वो भी इंटर रिलेटेड है अब वर्कर के अंदर कोई तो ऐसा होगा भाई भतीजा जो फार्मर का भाई होगा सारे परिवार के अंदर सभी तो खेत में नहीं जाते ना कोई तो ऐसा भाई भी होगा तो एक तरीके से जो फार्म आपकी फैमिली इनकम है वो कहीं ना कहीं सारी कहानी ना इंटर रिलेटेड होती है आपकी फार्मर इनकम से मैं आपको यह बता सकता हूं शहर के अंदर सपोज जैसे छोटा शहर है टाउन लगा लो कोई ओके, टाउन इकोनॉमी समझो आप क्या है टाउन इकोनॉमी के अंदर मेजर जो बायर होता है वो फार्मर होता है ओके okay? छोटे शहर के अंदर क्योंकि वो अपने गांव से शहर आते हैं और चीज़ें खरीदते हैं और चले जाते हैं अब फार्मर को इनकम नहीं मिलेगी तो वो छोटे टाउन की इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी ये ये आपको साइकिल समझनी जरूरी है ठीक है ना एवरी इज इंटर रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं होता कि चीज़ें अलग अलग होती हैं ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी ये पूरी कहानी है ठीक है छोटे शहरों की और ज्यादातर हमारे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो गिनती के हैं मेजरली इंडिया तो रूरल और छोटे शहरों में रह रहा है टाउन में रह रहा है ओके okay? तो वहां पे जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड और आपको समझनी भी होती है और एग्जाम के अंदर फ्लो चार्ट वगैरह आप बना सकते हो ऐसे ठीक है ना एग्जामिनर उसको एक तरीके से अच्छा देखने को मिलता है तो नंबर भी एक्स्ट्रा देता है वो ठीक है फिर इन्होंने कहा कि जैसे जो एग्रीकल्चर के ऊपर इतनी सारी चीजें अनाउंस हुई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर तो वो दरअसल ट्रिकल डाउन करें तो वो पांच हजार करोड़ से भी कम था ऐसा इन्होंने बोला है ठीक है फिर लास्ट के अंदर इतनी सारी समस्याएं तो सबने बता दी तो समाधान भी देने होते हैं तो समाधान ले दे के वही तीन चार होते हैं जैसा आपको पता है कि एक तो मनरेगा को बढ़ा दो ठीक है रूरल इकोनॉमी के अंदर और पैसा डालो और इन्वेस्टमेंट करो मतलब हर रोज कोई ना कोई ऐसा एडिटोरियल आएगा जो सेम बात कह रहा होगा ठीक है जी फिर इन्होंने कुछ अलग ऐसा नहीं कहा इन्होंने ये कहा कि जो इंटरेस्ट लोन के ऊपर लगता था वो माफ़ कर दो लोन पूरा माफ मत करो इंटरेस्ट जो है वो माफ कर दो लोन के ऊपर ओके दूसरी चीज इन्होंने कही जो पोल्ट्री जैसा आपका सेक्टर है उसको एडिशनल जो है ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ का कोई पैकेज वैकेज दो ठीक है जी ये एक नया सजेशन है अच्छा दूसरी चीज जो स्मॉल मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए ये भी इन्होंने बोला तो ये चीजें इन्होंने सजेस्ट की हैं मेजर तीन ये फार्म सेक्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट को वेव करो जो लोन वगैरह किसान के लोन हैं ठीक है ना ताकि वो प्रेशर फील ना करें और फ्री माइंडेड होकर काम कर सके अदरवाइज फार्म सुसाइड के केसेस जो हैं प्रेजेंट सिनेरियो में बढ़ सकते हैं कोरोना टाइम पे फार्म सुसाइड के केसेस बढ़ सकते हैं और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ओके तो थोड़ा बहुत तो फार्मर का बर्डन हमें शेयर करना पड़ेगा मतलब गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा ठीक है ना ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हैं अब हम चलते हैं कि चाइना बूढ़ा हो गया ठीक है तो पूरी कहानी इन्होंने बता दी चाइना बूढ़ा हो गया कैसे बूढ़ा हो गया अब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं जो एडिटोरियल आपका शुरू होता है इसके अंदर दो बात कही हैं इन्होंने ये कहा कि माओ की डिजास्टरस ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था क्योंकि इन्होंने एडिटोरियल में नहीं एक्सप्लेन किया ठीक है ना तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ये चाइना की पॉलिसी थी 1958 1962 में ओके और ये पॉलिसी इकोनॉमिक सोशल कैंपेन थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जिसके तहत वो चाइना को एक तरीके से बदलना चाहते थे जैसे इंडिया की पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी या एग्रेरियन सोसाइटी थी उससे वो चाइनीज सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे ठीक है ये वहां पे किया गया था ये उनकी पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये आपको नाम याद रखना है बस आपको पता होना चाहिए ओके तो प्रीति आपने बोला कि सर मुझे वकेबुलरी में बहुत प्रॉब्लम होती है क्या न्यूज़पेपर की सारी वकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है आ, वकेबलरी का मैं आपको एक चीज बता देता हूं वैकेबुलरी यूपीएससी में क्या रोल प्ले करती है ठीक है ना यूपीएससी के अंदर जो वैकेबुलरी है क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या होते हैं पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस ओके इकोनॉमी अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना एथिक्स इन सब की ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ओके okay? इन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है और वही आपके आंसर को क्वालिटी देती है सपोज इकोनॉमी का क्वेश्चन आया उसके अंदर अगर आप रैंडमली एथिक्स वैथिक्स लिखते जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप इकोनॉमिक जो है टर्म्स यूज़ करो ठीक है ये चीज़ ध्यान रखनी होती है हमेशा हमें फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप कुछ साइंटिफिक टर्म ज्ञान दे रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना शुरू हो गए उन्होंने पूछा कि बताओ स्पेस डिप्लोमेसी क्या है सपोज क्वेश्चन आया कि स्पेस डिप्लोमेसी क्या है ओके okay. उसके अंदर आपने शुरू हो गए इसरो ने पी भेजा जी भेजा ऊपर गया चंद्रयान ये यान वो यान तो कोई फायदा नहीं उसका नंबर मिलेगा जीरो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर स्पेस डिप्लोमेसी अलग है डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कैसे हम बाकी देशों की मदद करते हैं ठीक है ना हमने एक सार्क सैटेलाइट भेजी थी ऊपर ठीक है सारे सार्क कंट्रीज के लिए वो सबका भला करने के लिए थी इंडिया के आसपास जितने भी हैं पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका वो थी स्पेस डिप्लोमेसी उसके अंदर आपको ये नहीं कवर करना कि हमने पी भेजा जी भेजा नहीं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लगाएगा उसका आंसर आपको अलग लिखना पड़ेगा ये वकेबलरी होती है हर एरिया की और यह आपको पता होनी चाहिए ठीक है मिक्स मत करना इतना ज्यादा नहीं तो नंबर नहीं मिलते चलिए तो यह था आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन था ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टार्ट किया था अब यहां पे दूसरा था कल्चरल रेवोल्यूशन ओके तो कल्चरल रेवोल्यूशन आपका 1966-1976 तक चलाया उन्होंने और यह भी सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था क्या था ये कि टू री इंपोज द माओजेडोंग थॉटेडोंग की जो थॉट है उसको री इम्पोज करना चाइनीज सोसाइटी के अंदर ये था आपका कल्चरल रेवोल्यूशन ये भी उनकी एक तरीके से पॉलिसी थी और वो करना क्या चाहते थे वो कम्युनिज्म को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तो ये दो चीजें उन्होंने चलाई थी ओके एचपीएस बी लोग सी एस सी मस्ट बी सी एस मस्ट बी प्रोवाइड विद ई नैम पोर्टल टू अवॉइड एजेंट सिस्टम इन एग्रीकल्चर मार्केट एंड सेटअप रेलवे फ्रेट कॉरिडोर फॉर मेजर एग्रीकल्चर मार्केट लाइक पंजाब प्रोड्यूस मोर देन कंज्यूम सी एस सी मस्ट बी प्रोवाइड विद ई नैम पोर्टल ठीक है ई नैम पोर्टल तो आ गया है ओके बट द पॉइंट इज एच पी एस वीलोग यू आर सजेस्टिंग दैट ये एचपीएस वी लोग ने पिछले क्वेश्चन का कहा है पिछले एडिटोरियल की बात की है तो फ्रेंड्स हम थोड़ा उसको देख लेते हैं इन्होंने कहा है कि एक तरीके से ई e नैम लेके आओ ठीक है ना तो ये डिजिटल मार्केट की बात हो रही है एग्रीकल्चर के लिए ओके डिजिटल मार्केट की समान जो फार्मर है हरियाणा वाला अपना सामान बेच सके महाराष्ट्र के अंदर इस ई e नैम पोर्टल के थ्रू बट आपने एक चीज कह दी लेकिन आप एक चीज भूल गए डिजिटल लिटरेसी ओके डिजिटल लिटरेसी कहाँ है इस देश के अंदर वेर इज डिजिटल लिटरेसी मैं आपको एक क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूं यहां पे डिजिटल लिटरेसी ना होने का कैसे जब ये ई नेम इंप्लीमेंट होने वाला था तो हरियाणा के अंदर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था ओके okay, पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा में चलाया गया था इसका कि सबसे पहले करके देखते हैं कैसा चलता है उसके अंदर जो हमारे फार्मर थे वो क्या करते थे उनको डिजिटल लिटरेसी तो थी नहीं सिस्टम तो पता नहीं था कैसे यूज करना है वो जाते थे एजेंट के पास वो एजेंट फिर दोबारा उसे जो है सिस्टम को यूज करता था ठीक है एचपीएसवी लोग वो एजेंट जो है वही सिस्टम को ऑपरेट करता था तो जो हमारा मेन कॉज था जिसकी वजह से ई एन लेके आए थे कि फार्मर खुद अपना सामान बेचे मिडल जो है वो हट जाए वो यहां पे पूरा का पूरा कॉज वेस्ट हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने डिजिटल लिटरेसी की तरफ एम्फेसिस नहीं डाला था ओके okay? किसानों को सिखाया ही नहीं गया था कि आपको जो है सिस्टम कैसे यूज करना है सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच क्रिटिकल वट एवर यू आर सजेस्टिंग इज फाइन बट इफ द फार्मर इज नॉट एबल टू एक्सेस द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपका पूरा का पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओके okay. तो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमें समझना होता है अदरवाइज प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही चलती रहेगी एंड यू यू हैव टू दिस दिस इवन केस स्टडी दिस पर्टिकुलर केस स्टडी कैन ऑल्सो भी मैं इफ इवन इफ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ई नैम ये जो चल रहे हैं कि डिजिटल मार्केट बना देंगे बट फार्मर लिटरेसी की तरफ बात ही नहीं है कोई फार्मर को जब तक फोन मोबाइल एप्लीकेशन चलाना नहीं आएगा कैसे अपना सामान बेच पाएगा ठीक है जी चलिए आगे तो कल्चरल रेवोल्यूशन ये था ठीक है ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए तभी आपको ये एडिटोरियल समझ में आएगा फिर इन्होंने बताया कि देखो चाइना के अंदर एक पॉलिसी आ गई उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी थी पता है ना आपको चाइना ने ठीक है वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में अभी रिसेंटली उन्होंने चेंजेस भी किए थे लेकिन एकदम से चीजें चीजें बदलती नहीं हैं चीजें एकदम से बदलती नहीं हैं रातों रात नहीं होता कि पहले तो आप जब जबरदस्ती डंडे के दम पे मतलब बोलो लोगों को कि आपको एक ही बच्चा करना है उसके अंदर फिर आपने कागज में साइन कर दिया कि नहीं अब से अलाउड है तो ऐसे समाज के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं वो धीरे धीरे बदलने शुरू होते हैं ओके तो यही उन्होंने बताया है कि चाइना के अंदर जो एवरेज बर्थ रेट है वो वन बर्थ पर वुमेन है ओके और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है पॉपुलेशन का 2.1 जो बोला जाता है ना हम दो हमारे दो वो इसी को समझ के बोला जाता है कि रिप्लेस करो आप ठीक है तो आजकल ट्रेंड हम तो हमारे एक का यहां पे भी आ गया है लेकिन चाइना के अंदर पहले से ही था इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और बूढ़ी भी होती जा रही है नए बच्चे पैदा नहीं होंगे तो यंग पॉपुलेशन कैसे आएगी ये चाइना फेस कर रहा है तो इन्होंने ये बताया कि 2010 में अब 65 इयर्स के मान लो 10 परसेंट लोग थे चाइना के अंदर वो 2050 आते आते 32.6% हो जाएंगे मींस 1/3 ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो 65 इयर्स से ऊपर हो जाएगी बूढ़ी हो जाएगी 1/3 बाय 2050 ये भी चीज आपको समझनी है ओके okay? फिर आप देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई यंगस्टर्स ही तो काम करते हैं आपकी लेबर फोर्स की जब हम बात करते हैं उसके अंदर यंगस्टर्स ही तो होते हैं बूढ़े लोग थोड़ा ना काम कर सकते हैं मशीनें चला सकते हैं नहीं कर सकते हैं. ठीक है तो वो कहा जा रहा है कि उनकी लेबर फोर्स आज मान लो वन बिलियन के आसपास है तो वो घटके सेवन एटी सेवन मिलियन रह जाएगी ये समस्या चाइना फेस करेगा ओके वन पॉइंट सिक्स बर्थ मीन्स अंजू यू आर वन पॉइंट सिक्स बर्थ मीन्स मतलब एवरेज निकाल देते हैं अब लिटरल सेंस में कोई डेढ़ बच्चा नहीं होता लिटरल सेंस में डेढ़ बच्चा नहीं होता ठीक है तो सिर्फ एक एवरेज निकलती है ये 1.6 बर्थ मतलब एक औरत जो है उसके 1.6 बच्चे होते हैं ऑन एंड एवरेज भाई कोई ऐसी भी तो होती होगी जिसका एक भी बच्चा ना हो कोई ऐसी होती होगी जिसके चार होंगे कोई ऐसी होगी जिसका एक होगा चलो एवरेज का जैसे फॉर्मूला करते हैं कि दो वुमेन है ठीक है एक के चार बच्चे हैं और एक का एक बच्चा है तो उसकी एवरेज कैसे बनेगी फाइव बाई टू टू एवरेज हो गई ना टू एवरेज हो गई ना ठीक है अब आप ये थोड़ा ना होगी ढाई बच्चा ढाई बच्चा पॉसिबल पो, नहीं होता ये सिर्फ एवरेज होती है ओके अंजू चीजें क्लियर हुई ये एवरेज है ठीक है कि सपोज मेरा एक बच्चा है और मेरे पड़ोसी के जो है चार बच्चे हैं तो अगर हम एवरेज लेने जाएंगे तो एक मेरा चार उनके पांच और पांच को दो से डिवाइड करेंगे मतलब ढाई एवरेज है ये एवरेज कि ऑन एन एवरेज वहां पे एक औरत के इतने बच्चे होते हैं थजूमा यू आर ऑल्सो फेसिंग मैं आपको फिर बताता हूं देखो एवरेज कैसे निकालते हैं ठीक है एवरेज निकालते हैं जितनी एंटिटीज है उनका सम डिवाइड बाय नंबर्स ओके अब सपोज करो ए बी सी ये इसके बच्चे हुए ए के बच्चे हुए दो बी के बच्चे हुए तीन और सी के बच्चे हुए चार ठीक है अब इनकी एवरेज निकालनी है तो दो प्लस तीन प्लस चार डिवाइड बाय तीन कर देंगे ये तीन है ना टोटल तो इसकी एवरेज जब हम देखेंगे तो एवरेज हो जाएगी तीन कि ओन एन एवरेज तीन बच्चे हो रहे हैं एक औरत के वैसे ही चलो ये तो राउंड फिगर में आ गया तीन अब हम सिर्फ दो लोग ही लेते हैं ठीक है मैंने ए और बी का एवरेज निकालने का सोचा तो दो आए ए के बच्चे तीन आए बी के बच्चे टोटल हो गए पांच। नंबर कितना है दो और ये हो गया ढाई कि भाई ऑन एन एवरेज एक औरत के ढाई बच्चे हो रहे हैं अब ये लिटरल सेंस में ढाई मत लेना इनको ये एवरेज है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसी हिसाब से पूरे देश के अंदर जब एवरेज निकाली जाती है तो सारी वुमेन जो हैं और उनके बच्चे नंबर ऑफ चिल्ड्रन उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ़ वुमेन से एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो और वो भी नंबर ऑफ़ वुमेन जो होंगी वो रिप्रोडक्टिव एज वाली होंगी ओके एडल्ट जिनको हम बोल देते हैं ये भी कंसिडरेशन किया जाता है इस तरीके से हम जो है हमारा फर्टिलिटी रेट निकालते हैं ठीक है आई होप थिंग्स आर क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये चाइना की हालत अब होने वाली है इंडिया की हालत भी ऐसी ही होने वाली है हम लोग भी बूढ़े होंगे राइट नाउ वी आर द यंगेस्ट ओके राइट नाउ वी आर द यंगेस्ट बट फ्यूचर में हम लोग भी बूढ़े होंगे ओके okay? तो यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो उन्होंने दिए हैं तो दरअसल इन्होंने कहा कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उससे ना लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया वहां पे बच्चे पालने का उनका इंटरेस्ट ही नहीं है भाई आजकल हम अगर इंडिया की बात करें सपोज मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करता हूं सो हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर मेनली मतलब दो बच्चे तो हो नहीं रहे हैं किसी के एक एक ही बच्चा है तो ट्रेंड यही है अब ठीक है ना तो यहाँ पे एटीट्यूड एक तरीके से पेरेंट्स का चेंज हो जाता है उनको भी लगता है एक ही बहुत है और आराम से शांति से ज़िंदगी जिएंगे ऐसा ऐसी सोच आ गई है ठीक है ये है वहाँ पे अच्छा अब आप देखो एम्प्लॉयमेंट जब हो जाती है अपॉर्चुनिटी होती है तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना करियर बढ़ाना है ओके मेरे को आगे भी कुछ बनना है ये चीजें कंसिडरेशन जो हैं आने लग जाती हैं और उस केस में जो है लोगों का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है वहां पे भी वैसा ही हुआ है तो एक इन्होंने कहा कि ये जो एजिंग पॉपुलेशन है ना इसके मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट होंगे कैसे होंगे आपका हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत जो है बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ विल इंक्रीज ओके लोगों की पेंशन सोशल वेलफेयर इसके ऊपर पैसा जो है सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सेविंग रेट जो है वो कम हो जाएगा सेविंग रेट कैसे सपोज़ मैं अभी अर्न कर रहा हूँ तो मैं सारा पैसा नहीं फूक देता तो मैं कुछ सेव कर लेता हूँ अपने लिए बैंक में लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा मेरी इनकम तो कुछ आएगी नहीं तो मैं सारी सेविंग्स को कंज्यूम करूँगा ना रिटायर होने के बाद जो मैंने पूरे पूरी काम करते हुए जितना पैसा बचाया होगा वो सारा का सारा मैं अपने बुढ़ापे में इस्तेमाल करूँगा तो सेविंग्स जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगी ठीक है फिर मैंने आपको बताया कि यंगस्टर्स नहीं मिलेंगे काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के अंदर तो फिर कैसे आप चाइना को आगे लेके जाओगे फिर इन्होंने एक चीज और इंटरेस्टिंग बताई है इन्होंने ये कहा कि चाइना जो है वो बूढ़ा हो जाएगा बिफोर रीचिंग द लेवल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट सिंगापुर और जापान बाकी कंट्रीज डेवलप्ड हैं मतलब चाइना डेवलप्ड नहीं हो पाएगा फिर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग देखा चीज बताई इन्होंने कहा चाइनाज आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एज मैनी वन चाइल्ड पॉलिसी चिल्ड्रन आर ऑफन मिसफिट फॉर फाइटिंग इन टफर कंडीशंस कैसे जब घर में एक बच्चा होता है तो उसको सबका लाड प्यार मिलता है ठीक है आसपास लोग घूम रहे हैं खाने की थालियाँ लेके घूम रहे हैं खा ले बेटा खा ले खा ले। अब वो बच्चा जब फौज में जाएगा फौज में तो टफ़ सर्कमस्टांसिस में काम करना होता है ना आपको इसीलिए वो मिसफिट हो जाता है ओके okay. अच्छा एक और समस्या आती है जो मैं आपको बता देता हूं पैम्पर्ड बेबी सिंड्रोम ओके पैम्पर्ड बेबी सिंड्रोम ये क्या है देखो ये जैपनीज सोसाइटी में देखने को मिलता है ठीक है ना जैपनीज सोसाइटी में कैसे जापान के अंदर आपको पता है ना एवरेज एज जो है वो बहुत ज्यादा है एवरेज एज जापान के अंदर बहुत ज्यादा है तो उससे होता क्या है पांच पांच पीढ़ियां एक साथ जो है पूरी फैमिली के अंदर रह रही होती हैं एक ही घर में और बच्चा एक पैदा होता है तो उस बच्चे को इतना ज़्यादा लाड प्यार मिल जाता है कि वो फिर सारी उम्र वैसा ही रहता है ठीक है ये होता है पेम्पर्ड बेबी सिंड्रोम भाई चार चार पीढ़ियाँ एक साथ रहेंगी सारे बूढ़े उसी बच्चे को प्यार किए जा रहे हैं तो बच्चा फिर वो मतलब जिंदगी में कुछ टफनेस तो आनी चाहिए ना टफ सर्कमस्टांसिस में होना चाहिए ना वो बच्चा प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिल रही है उन सोसाइटीज में ओके okay? ये है पंगा वहां पे अब चलो आगे तो इन्होंने कहा कि विल द पॉपुलेशन डिक्लाइन क्रिएट अ रिचर सोसाइटी इन चाइना क्या पॉपुलेशन डिक्लाइन होने से चाइना की सोसाइटी रिच हो जाएगी तो ये जापान के एक साइंटिस्ट हैं इन्होंने कुछ बात कही है ये जापान के एक्सपीरियंस से ऐसा बोल रहे हैं कि यह अनलाइकली है क्यों अनलाइकली है स्मॉलर पॉपुलेशन होगी इंटलेक्चुअल एक्सचेंज जो है वो भी कम हो जाएंगे ओके होता क्या है जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ज़्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है जो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस हैं आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना वो चीज़ आपको और पावरफुल बनाता है इंटेलेक्चुअली जो सोसाइटीज़ पावरफुल हैं वही आगे जाके ग्रो करती हैं ओके okay? तो इसलिए इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का कम हो जाना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके देश को रिचर बनाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं उसका बुरा असर भी हो सकता है आज आप एक बात देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं यूएस का यूनाइटेड स्टेट्स वहां के कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है, है उनके टॉपर कौन होते हैं उनके टॉपर कौन कौन होते हैं उनके टॉपर होते हैं इंडियंस चाइनीज और जुइश इजराइली। ये तीन टॉपर निकलते हैं यूएस के अंदर ठीक है जी अब आप पूरी कहानी समझ जाओ वहां का बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उन सोसाइटीज़ की कैसे हो रही है हमारे यहां से पढ़े लिखे लोग वहां जा रहे हैं ओके यूएस की इकोनमी एक तरीके से हमारे टैलेंट को उधर खींच लेती है इस वजह से वो ग्रोथ कर पा रहे हैं नहीं तो वहां की रियलिटी देखो कैसे अलग चल रही है उधर ये चीज़ें आप कंसिडर करना कभी ठीक है जी तो जो ब्रेन ड्रेन है ना वो बहुत खतरनाक होता है ब्रेन ड्रेन कैसे इंडिया से जो सारे के सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब जो है यूएस चले जाते हैं ठीक है नौकरियां करने के लिए ये चीज़ बहुत ख़राब है और हमें ब्रेन गेन करना है इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें फैसिलिटेट करनी है कि वहाँ के लोग यहाँ आके जो है काम करें ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए ठीक है तो इन्होंने ये बातें बताई हैं ठीक है जी फिर आगे की बात जो कहते हैं कि देखो जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाने की बात करते हैं उसके अंदर चाइना का जो एक तरीके से रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है इंडिया के रिस्पेक्ट इंडिया से कंपेयर करेंगे तो हमारे से तो अच्छा ही होगा बट एज़ कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें साउथ कोरिया जापान ठीक है ना वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है लोगों की चाइना के अंदर उतनी अच्छी नहीं है ओके okay? तो फिर चीज़ें इन्होंने बताई कि जी जिंगपिंग ने यह कहा था कि वो मार्केट रिफॉर्म करेंगे ठीक है कंजम्पशन को बढ़ाएंगे लेकिन ग्राउंड पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को एक तरीके से थोप रहे हैं ठीक है ना जी जिंग का उन्होंने सबसे उन्होंने लड़ाई ले ली है तो एक तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स जब आएंगे तो वो भी नुकसान करेंगे ही तो फिर इन्होंने ये बताया देखो कि गवर्नेंस की अगर हम बात करें उसके अंदर चाइना का रिकॉर्ड कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा ठीक है क्योंकि गवर्नेंस के अंदर ओपननेस का एक कॉम्पोनेंट होता है कि आपकी सरकार कितनी ओपन है वहां तो सब कुछ छुपा के रखते हैं वो पता ही नहीं लगने देते आम जनता को पता ही नहीं होता अब गलवान वाली वाला इंसिडेंट हुआ है वहां पे वहां के लोगों को पता ही नहीं है ठीक है कि कितने सैनिक मरे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता बीस साल बाद जाके बताएंगे वो एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था सेवनटीन सेवन में हुआ था कहीं पर उसका डिक्लेरेशन उन्होंने नाइनटी में किया था देखो सत्रह अठारह साल बाद ऐसे वहां पर काम चलता है ओके तो गवर्नेंस के अंदर चाइना जो है क्लोज सोसाइटी है सरकार सब कुछ छुपा के रखती है और ये वहां पे समस्याएं हैं ठीक है जी फिर ह्यूमन रिसोर्स भी वहां पे उतना बेहतर नहीं है एज कंपेयर टू सिंगापुर ताइवान की अगर हम बात करें तो एक बात इन्होंने स्टेटिस्टिक्स है ये आपको एज इट इज जो है अपने एग्जाम के लिए लिखना है कि लास्ट सेवेंटी ईयर्स के अंदर ओनली फिफ्टीन कंट्रीज है सिर्फ 15 ही स्टेट ऐसे हुए हैं पंद्रह ही देश ऐसे हुए हैं जो एक तरीके से मिडल से हाई इनकम स्टेटस तक जा पाए हैं ओके इट मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट चाइना तो हमसे आगे है हमें भी हमारे लिए भी ये डिफिकल्टी है इट इज़ नॉट दैट ईजी ठीक है ना एक इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप में जाना तो फिर इन्होंने कहा है कि चाइना को जिस तरह बढ़ना चाहिए था कि आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह चाइना वैसा नहीं कर रहा है और दरअसल वो कर क्या रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका कंट्रोल बढ़ा रहे हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर और इसीलिए आपको एक चीज ध्यान होगी कि बाकी देश जो है हुआवे जो भी 5G नेटवर्क लाने वाला था ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने मना कर दिया इंडिया ने भी मना कर दिया ओके सो दिस इज द मेन थिंग ओके तो ये आपको समझना है अच्छा अगर हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करें एट प्रेजेंट चाइना सबसे लड़ रहा है जब आप सबसे लड़ते हो तो तब आप उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते उनकी पॉलिसीज काफी अग्रेसिव रही हैं ओके ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जमीन पे एग्जिस्ट कर रही हैं एंड जब तक चाइना एक तरीके से इनसे नहीं डील करेगा चाइना आगे नहीं बढ़ सकता तो यहां पे जी जिंग को थोड़ा सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में भी उनको थोड़ा सोचना चाहिए ये इन्होंने पूरे आज के एडिटोरियल में बताया है ओके सो so आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है प्रीलिम्स और मेन्स जो है इन चीजों को सब साथ में लेके चलना ठीक है ना तो एज़ सच वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा बट आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इंटरव्यू भी आपको देना ही है ना एट द एंड ऑफ द डे तो वहां पे भी आपसे कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि जब आप मान लो इंटरव्यू दे रहे हो इंडिया शायद मतलब अब इंडिया आने ही वाला है अब अगला है, सेंसस में पता लग जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है क्या पता हम अभी भी चाइना को ओवरटेक कर चुके हों यू नेवर नो ओके तो इंटरव्यू के अंदर ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तब आप ये सारी बातें बताना कि कैसे जो है आ, पेम्पर्ड चाइल्ड सिंड्रोम है वहाँ पे मतलब जापान में ज़्यादा हुआ वहाँ पे भी आएगा और सेम इंडिया के अंदर भी कुछ जो है ऐसा हो सकता है ठीक है ये सारी चीज़ें हैं तो अब हम देखते हैं लोगों ने सवाल क्या किए हैं ओके okay, लोगों ने हर्ष मेघ कौर ने पूछा है हाउ टू डू मैप आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन हाउ टू डू मैप सी वट एवर इज देयर इन द न्यूज एटलीस्ट यू हैव टू कवर दैट ओके मैप जब आप करते हो ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज देखनी है कि बच्चे लेके बैठ जाएंगे मैप हाथ में और मैप पढ़ने लग जाएंगे ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक दिन में नहीं हो पाता आप भूल जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे आपको पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए सो इट इज बेटर दैट यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन रोज अगर हम

तो ऐसे आपको मैप करने हैं हर रोज रिवाइज करना है जो चीज न्यूज में आ रही है जो कंट्री आ रहा है वो रिवाइज करना है वाटर बॉडी जो आ रही है वो रिवाइज करनी है ओके क्योंकि आप देखो पिछले दो साल के क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे वो तो उन्होंने पूछे ही सिर्फ वाटर बॉडीज से हैं कभी मेडिटेरेनियन सी पूछ लिया कभी ब्लैक सी पूछ लिया कभी अराल सी पूछ लिया ठीक है ना कुछ भी पूछ लेते हैं वो रैंडमली यूपीएससी डिसाइड करेगा कि पेपर क्या बनेगा हमें सिर्फ प्रिपेयर करना है और प्रिपेरेशन ऐसी करनी है कि कभी भी जो है हम मार ना खाएं तो हर रोज़ 15 टू 20 मिनट्स जो हैं आप अपने दिमाग में मैप रखेंगे क्योंकि जो पिक्टोग्राफिक आप स्टडी करते हो पिक्टोग्राफिक जिस पिक्चर से आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हो वो हमेशा आपके दिमाग में रहती हैं ओके ये बात हमेशा समझना हम लोग कैसे रिसीव करते हैं एक होती है कुस्टिक मतलब सुनते हैं हम कानों के अंदर दूसरी चीज़ है पिक्चर मैं आपको बोल भी रहा हूं और आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है ना तब आपको चीज़ याद रहती है एंड ये साइंटिफिक स्टडी है और ये साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का प्रिपरेशन करने का तो आप भी प्रिपरेशन वैसे करें कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपको बोल बोल के याद करना है तो बोल बोल के याद करें अपने मन के अंदर फनी स्टोरीज बनाए मैप कहाँ पे है मैं इधर गया सी का वो पहुंच गया मेडिटेरेनियन सी वो थल्ले उत्ते देखा मैं सी का ग्रीस तो थल्ले देखा सी का सोनीशिया ओके यू कैन अब ऐसे समझ में आ गए ना मेडिटेरेनियन सी उत्ते विख्या मैं सी ग्रीस तो थले सीगा टूनिशिया अब इसके अलावा कभी भूलोगे ही नहीं कि नॉर्थ के अंदर पड़ेगा ग्रीस और सदरन कोस्ट के अंदर पड़ेगा टूनिशिया ओके दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी तो जितना फनी बना लोगे उतना अच्छा होगा मजा आ जाएगा बोर नहीं होगी इस पढ़ाई से यूपीएससी पर्सनैलिटी मेकिंग का पार्ट एक तरीके से एग्जाम है ओके okay? Uh, और किसी ने कोई सवाल किया मैं देखता हूँ हर्ष मेक कौर आई विल आस्क का क्वेश्चन हाउ वन चाइल्ड पॉलिसी अफेक्टिंग कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ओके इन्होंने पूछा है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे वन चाइल्ड पॉलिसी से इम्पैक्ट होगी देखो जी इकोनॉमी की जब आपकी ग्रोथ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है उसके अंदर ना लेबर एक कॉम्पोनेंट होता है लेबर फिर टेक्नोलॉजी ठीक है टेक्नोलॉजी आएगी कहां से जब साइंटिस्ट होंगे ठीक है ना साइंटिस्ट या टैलेंट बोल लो ठीक है अब आपकी वन चाइल्ड पॉलिसी है बच्चा ही एक हो रहा है मतलब बच्चे हो ही नहीं रहे तो ना तो यह आपका जो पूल है टैलेंट पूल ना तो साइंटिस्ट होंगे ना ही लेबर हो पाएगी साइंटिस्ट नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी आइडियाज नहीं आ पाएंगे इंटेलेक्चुअल दिमाग वाले लोग चाहिए ना वो दिमाग ही नहीं लग पाएगा उससे होगा क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी ठीक है टेक्नोलॉजी पुरानी होगी आपकी सब बर्बाद साइंटिस्ट टैलेंटेड लोग नहीं आए सब बर्बाद भाई आपको बड़े बड़े एम वो लोग मिलेंगे ही नहीं अब मान लो हिंदुस्तान के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दें और यूपीएससी का पेपर जो हो आपका ट्वेंटी वन हंड्रेड में आज की डेट से कम कैंडिडेट होंगे उसके अंदर आज मान लो पाँच से दस लाख लोग दे रहे हैं ना उस पे, पेपर के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे ओके okay. क्योंकि लोग होंगे ही नहीं तो कहाँ से टैलेंट आएगा आज यूपीएससी के अंदर टैलेंट तभी तो तगड़ा आता है कोई भी पेपर दे दो कट ऑफ इतनी हाई नाइन्टी नाइन कट ऑफ वो कट ऑफ क्यों ज्यादा जाती है वो कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाती है क्योंकि टैलेंट बहुत आ रहा है पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है यूथ है ना यंगेस्ट पॉपुलेशन है हम मोस्ट कॉम्पिटिटिव एज में पैदा हुए हैं हम लोग मोस्ट कॉम्पिटेटिव एज एंड बाय ट्वेंटी थर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्सटी तक ऐसा रहने वाला है ओके okay? मतलब सपोज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पोते उस एज में जाएंगे जहाँ पे कॉम्पिटिशन शायद थोड़ा कम होगा अदरवाइज पूरा सिस्टम एक तरीके से कॉम्पिटिटिव रहने वाला है ये आपको कंसिडर करना है और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ओके okay? अगला सवाल देखते हैं वाई चाइना इज स्केयर्ड ऑफ इट्स मिडल क्लास फैमिली इवन सच ग्रेट गिवन बाय चाइनीज गवर्नमेंट स्केर्ड ऑफ इट्स मिडिल क्लास फैमिली स्केर्ड इन द सेंस सपोज इफ द दिडल क्लास इज नॉट प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन ओके अब मैंने आपको बताया जो यंगस्टर्स हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ बच्चा ना एक प्रोजेक्ट होता है ओके चाइल्ड इज अ प्रोजेक्ट ये पंद्रह से बीस साल का प्रोजेक्ट होता है ये बात आपको समझनी होती है तो यंगस्टर्स और मिडिल क्लास जो हैं वो कह रहे हैं कि क्यों हम मल्टीपल प्रोजेक्ट छेड़ें इसलिए उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया है ओके अब जब बच्चे हो ही नहीं रहे तो वही बच्चे तो आगे जाके लेबर फोर्स का पार्ट होते वही बच्चे तो आगे जाके आर्मी को ज्वाइन करते ना तो वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं ना वो लेबर फोर्स का पार्ट बन रहे हैं तो ये जो है माइंडसेट में चेंज आ जाता है इवन जैपनीज सोसाइटी में भी ये चेंज आ गया है और मैं आपको इंडिया में भी प्रेजेंट जो है ये चेंज दिखा रहा हूँ एटलीस्ट मेरी जनरेशन में भी और मेरे बाद जो जनरेशन आएगी उनमें भी ज़्यादा ही होगा ये ओके अंजू ने फिर एक सवाल किया कि सर वर्ल्ड शोज इंडिया एंड चाइना इज फास्ट ग्रोइंग बट वाई वी निगलेक्ट अफ्रीका कंट्रीज इन फैक्ट सम कंट्रीज ग्रो एट इवन फोर्टीन परसेंट येस यू आर राइट अंजू अंजू यू आर राइट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ नाइजीरिया ओके okay, नाइजीरिया जैसे हम ये बोलते हैं ना इंडिया की जो है फास्टेस्ट एक तरीके से मिडिल क्लास बढ़ रही है हमारे देश के अंदर तो नाइजीरिया जो है वो भी अफ्रीका का एक तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास है वहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा बट बात है कि इकोनॉमी का साइज कितना है देखो चाइना की इकोनॉमी का साइज़ है तकरीबन टेन ट्रिलियन डॉलर ओके ट्रिलियन है ना उनका इंडिया का लगभग तीन के आसपास हो गया है तीन ट्रिलियन अब चाइना की अगर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3% परसेंट से बढ़ती है और इंडिया की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 6% परसेंट से बढ़ती है तो अफ्रीका की मान लो 500 मिलियन की कोई इकोनॉमी है चाहे वो 14% परसेंट से बढ़े तो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इकोनॉमी का साइज देखो ना कितना बड़ा बड़ा है ठीक है ये एंगल है हाँ अफ्रीका के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट है आपने बिल्कुल सही कहा इंडिया वहां पे एक तरीके से बढ़ रहा है चाइना के साथ भी हम कंपीट कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट और रिसोर्सेज ओके okay. हम जो ये गाड़ियां बना रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी तगड़ी इंडिया के अंदर बनी हुई है वो सारा सामान वहीं तो बेचना है जाके ठीक है ना ये है अफ्रीका के अंदर फ्यूचर तो अफ्रीका के अंदर बहुत बढ़िया है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाय 2100 इंडिया और चाइना बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद अफ्रीका अफ्रीकन सेंचुरी आएगी जो ये बोलते हैं ना कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी मोदी जी ने भी बोला था ना ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो है आपकी वो एशियन है तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जो ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी आने वाली है ना वो आपकी अफ्रीकन होगी ओके तो ऐसे साल दर साल ऐसे चल रहा है देखो ये बोलते हैं आपकी एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी ने किसने याद राज किया एटीन सेंचुरी में कौन याद राज करता था बताओ ज़रा एटीन टू नाइनटीन सेंचुरी पकड़ लो कौन राज करता था हम पे किसने राज किया ब्रिटेन ओके okay? हर जगह ब्रिटेन था सन नेवर सेट्स इन ब्रिटेन इधर से लेके उधर तक पूरी दुनिया के अंदर उनका राज था ये बोला जाता है ना फिर ट्वेंटी सेंचुरी में कौन आया वहाँ आया यूएस राजा बन के ट्वेंटी सेंचुरी बोला जा रहा है एशिया और ट्वेंटी सेकेंड बोल रहे हैं अफ्रीका देखते हैं क्या होता है ओके okay. uh, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं uh, थजुमा ने बोला है आई रीड एज द चाइना हैज़ हाई पॉपुलेशन सर बट हमारे यहाँ पे अभी सेंसस नहीं हुआ ना, चाइना के अंदर तो हाईएस्ट है आपने बोल दिया हमारे यहाँ पे पता ही नहीं लगता ना कितनी है कितनी नहीं है ओके okay. तो जब पता लगेगा तब पता लगेगा ना अभी होना है ना अभी तो हम जो है 2011 का डाटा लेके बोलते हैं 2011 का हमारा अगला होना है 2021 के अंदर अगले साल ओके तो वो स्टैटिस्टिक्स सारे आपको मालूम होने चाहिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो अगले साल ये सेंसस होगा उसका डाटा निकलेगा वो सब आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है सौरभ ने बोला है हाउ द जी डी अफेक्ट बाय पॉपुलेशन ग्रोथ ओके सी जी इज नॉट बेसिकली अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ जी इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द प्रोडक्टिविटी ठीक है जी प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर ओके अगर आपके पास लेबर ज्यादा है और उनके अंदर स्किल नहीं है तब भी आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी अगर आपके पास लेबर कम है बट वो हाईली स्किल्ड है जबरदस्त फिर वो आपकी जीडीपी को देखो कहां लेके जाएंगे हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन कितनी है 1.37 थ्री बिलियन है के आसपास है ना लेबर फोर्स हमारी बहुत ज्यादा है बट हमारे देश में स्किल्ड लेबर की कमी है स्किल्ड है ना वो हमारा एंगल थोड़ा खराब है और वो इतना ज्यादा खराब है मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स दे देता हूं ठीक है तो ये कहते हैं कि जापान के अंदर अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करें तो 85 परसेंट वहां पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल है जापान में साउथ कोरिया के अंदर 90 परसेंट के राउंड ठीक है ये आगे पीछे हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स मोर और लेस उनमें बहुत ही हाईली स्किल्ड वहाँ पे लोग हैं यार चाइना की बात करें तो वहां पे 60 परसेंट के आसपास लोग स्किल्ड हैं इंडिया के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स आया था लेस देन 10 परसेंट ठीक है दस से कम ये है इंडिया की हालत नारायण मूर्ति साहब क्या बोलते थे कि इंजीनियर्स हमारे देश में किसी काम के नहीं हैं ओके आई टी इंजीनियर्स जो आ रहे हैं उनको रीस्किल करना पड़ता है मैं खुद टेक्नोक्रेट मतलब आईटी बैकग्राउंड से कंप्यूटर इंजीनियर था मुझे भी पांच महीने की ट्रेनिंग ने थी तो ये चीज आपको समझनी है ओके okay, हमारे यहां पे स्किल की कमी है अच्छा अगला सवाल किसने किया था ओके uh, okay, uh, सौरव ने किया हाउ द जी डी पे अफेक्ट बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने कवर कर लिया uh, हर्ष मेघ ने फिर अगला सवाल है कि सर मैनेजिंग एक्सपेंसिस ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी द कॉज टू सी चिल्ड्रन को एक्सपेंसेस उन पर लगते हैं बट वो इतने ज्यादा नहीं लगते ओके नो डाउट जब हम एक बात करते हैं ना एक तो होती है लेबर फोर्स कि जो लोग आपकी काम करेंगे ठीक है ना लेबर फोर्स दूसरे होते हैं डिपेंडेंट ओके डिपेंडेंट का नंबर ज्यादा होना वो भी एक तरीके से जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूशन नहीं करता लेकिन वो जो डिपेंडेंट बच्चे हैं जिनको आप चिल्ड्रन कह रहे हो वो फ्यूचर की लेबर फोर्स है ना वो तो फ्यूचर की लेबर फोर्स है लेकिन जो बूढ़े डिपेंडेंट हैं ओल्ड एज वाले उन्होंने तो आगे जाके कोई काम नहीं करना फ्यूचर में ओके okay, ये आपको समझना है अच्छा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एचपीएस फिलोक सर आई मीन आई वाज रीडिंग आर्टिकल ऑन इंटरनेट दैट कंट्रीज गवर्नमेंट इज स्केर्ड ऑफ इट्स मिडिल क्लास स्केट इज द रीजन ओके सोलोजा पतलने वाली क्लास आइडियोलॉजिकल तख्ता तक, पलटने वाली क्लास ओके okay. वो इसलिए स्केर्ड होते हैं यार क्योंकि मिडिल क्लास ना मिडल क्लास जो होती है वो एजुकेटेड होती है ओके okay. वो क्वेश्चन करती है देखो होता क्या है एक होता है रिच एक होता है पुअर पुअर की लड़ाई तो सारी उम्र हैंड टू माउथ की होती है ठीक है ना हैंड टू माउथ सुबह कमाया रात को खाया बस इतनी लड़ाई होती है पुअर की रिच के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो रिच को इतना फर्क नहीं पड़ता मिडल क्लास ऐसी होती है जो बीच में अटकी होती है और वो चेंज लेके आती है ये रीजन है ओके दैट्स वाई दे आर स्केर्ड ऑफ मिडिल क्लास ये सिर्फ चाइना में नहीं लगेगा बाकी जगहों पे भी ऐसा आप इसको रोक सकते हो। ओके। इज द सेशन नाउ शुड बी एंड द क्लास ओके okay, तो फिर हम कल मिलेंगे हमारी कोशिश जरूर रहती है कि सब चीज़ें जो है टाइम पे शुरू हों बट जो है सेशन ओनली मोर लेस जो है 9:30 के राउंड हम लोग शुरू कर दिया करेंगे ओके हाँ इट इज़ गुड दैट मतलब आइडियली जो है एक ही टाइम पे सेशन होना चाहिए सो so, चीज़ें देखेंगे uh, सौरव सौरभ ने सवाल किया है सर शुड वी साइन डिफेंस पैक्ट विद यू इन पॉइंट ऑफ व्यू नो बिकॉज इट्स आवर स्ट्रैटेजी एंड देन रशियन ऑल्सो मेक सम लाइक स्ट्रैटेजी विथ चाइना सी डिफेंस पैक्ट इज अ वेरी डेंजरस थिंग ओके सौरभ डिफेंस पैक्ट का मैं आपको एक तो चीज़ बताता हूँ हमारे पास ना लाइव एग्जाम्पल है पाकिस्तान ओके okay, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया अलग हुआ और एक बना पाकिस्तान पाकिस्तान ने ना यूएस के साथ डिफेंस पैक्ट किया था ओके, okay. वो आज तक ना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया पूरे देश की हालत देखो क्या है मतलब आप देखो uh, 1975 में आई गएस जो है यूएन असेंबली के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक बॉम्ब आज वो देश अब तक घास ही खा रहा है बॉम्ब तो उन्होंने बना लिया तो डिफेंस का ना हमारे पास एक एग्जाम्पल है आपके सामने नो no डाउट थोड़ा फायदा होता है नो डाउट बट मोर और लेस ये नुकसान ज्यादा देता है कैसे नुकसान देता है आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी ये खत्म हो जाती है अब यूएस मान लो कहीं पे पंगा लेगा रशिया के साथ या किसी भी और कंट्री के साथ अब हमारा अगर मिलिट्री अलायंस है तो जबरदस्ती हमें उसमें खींच लेगा ना ओके okay. तो क्या आप चाहते हो कि आप जबरदस्ती किसी थर्ड कंट्री की लड़ाई के लिए अपने जवानों को खोदो वहां पे सो मिलिट्री पैक्ट डिफेंस पैक्ट नो डाउट यूएस हमें हथियार अच्छे दे देगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे देगा हमारी हेल्प भी कर देगा ओके okay. बट उसकी नेगेटिव साइड्स भी हमें कंसीडर करनी होती हैं ये चीज आपको जरूर कंसीडर करनी है तो बड़ा डेंजरस होता है ये तो एक जो मैंने हमेशा बोलता हूं कि इश्यू बेस्ड हो देखो चाइना को भी एक बात तो समझ में आ जाएगी कि वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया जो है कंप्लीटली यूएस की तरफ टिल्ट हो जाए दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट दैट वो कैसे लड़ेंगे मतलब इतना बड़ा बॉर्डर है जिस चीज का डर हमें लग रहा है वही डर चाइना को भी तो होगा देखो ना आज प्रेजेंटली सिनेरियो देखो क्या है सपोज करो ये चाइना है आपका ओके okay. यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर यूएस नेवी आ रही थी यूएस नेवी चल रही थी बॉर्डर के ऊपर इंडिया के साथ लड़ाई हो रही है तो अगर हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ हमारे को डर है एक साथ एक्टिव पाकिस्तान और चाइना एक साथ एक्टिव हो जाएंगे तो सेम डर चाइना को भी तो है इवन दे हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स इवन दे हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स ओके तो ये चीजें आपको जरूर समझनी होती हैं सो फ्रेंड्स नाउ वी आर एंडिंग द सेशन सो कल हम मिलेंगे